शरीर में काला धागा बांधने के हैं। कई फायदे। काला धागा पैर में बांधने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्या और नज़र ठीक होती है। काला धागा पैर के अंगूठे में बांधने से पेट से जुड़ी परेशानी से राहत मिलती है। काला धागा हाथ या कलाई पर बांधने से सफलता मिलती है। काला धागा कमर में बांधने से छाती और पेट की बीमारी ठीक होती है और मोटापा नहीं होता। काला धागा वहाँ पर बांधने से अकस्मात नहीं होता और नज़र भी नहीं लगती। काला धागा घर के मुख्य द्वार पर बांधने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। सपने में क्या देखना शुभ या अशुभ। सपने में सांप दिखाई देना यानी धन का लाभ। सपने में नदी का देखना यानी सौभाग्य में वृद्धि। सपने में नाच गाना देखना यानी अशुभ समाचार मिलना। सपने में नील गाय देखना यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति। सपने में नेवला देखना यानी शत्रु से मुक्ति। सपने में पगड़ी देखना यानी मान सम्मान में वृद्धि। सपने में पूजा होते हुए देखना यानी किसी योजना का लाभ। सपने में साधु को देखना यानी अत्यधिक सुख मिलन। सपने में गाय का बछड़ा देखना यानी कोई अच्छी घटना होना। स्वयं की मृत्यु देखना यानी भयंकर रोग से मुक्ति मिलना। अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। यह संकेत मिले तो समझो आपका भाग्य बदलने वाला है। आइए जानते हैं क्या है वह संकेत जो बताते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। रास्ते में दूल्हा दुल्हन का दिखाई देना, सुनहरे रंग का सांप दिखाई देना, सफेद गाय का घर के दरवाजे पर आना, घर की दीवार पर मोर का बैठना, रास्ते में सिक्के आदि पैसे मिलना, दूध से भरा बर्तन या बाल्टी दिखाई देना, रास्ते में या कहीं तालाब में कछुआ दिखाई देना, घर से निकलते ही नारियल दिखाई देना, आपका विश्वास परमात्मा में होने लगा, आपकी नींद रात को 3 बजे के आसपास हर रोज खोलना। यह संकेत मिलने लगे तो समझो भगवान आपसे प्रसन्न है। जब आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होने लगे, आप जहां भी जाएं हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब सपने में लगातार मंदिर या भगवान की छवि दिखाई दे, अगर आपके द्वारा जलाई गई दीपक को लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझने की भगवान आपकी भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर प्रसन्न है। जब पूजा करते समय धूप या अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सीधे ईश्वर की तरफ मुख कर ले और उसों की आकृति बनती दिखाई दे, जब धूप या अगरबत्ती जलने से पहले ही खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगे। धन और यश देने वाले 7 घोड़े का पूरा रहस्य क्या आप जानते हैं। वास्तु में घोड़े जल तत्व और अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। वह गति के कारक होते हैं और पैसे के भी। पर किस तरह के घोड़े की तस्वीर आपको कौन सी दिशा में लगानी है यह जानना बहुत जरूरी है, वरना आपको पैसे के फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर तस्वीर में पीला रंग या रेगिस्तान या मिट्टी है तो इसे दक्षिण पश्चिम में लगाएं, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व है। अगर तस्वीर में पीछे लाल रंग है तो इसे दक्षिण पूर्व में लगा है, क्योंकि यह अग्नि तत्व है। अगर तस्वीर में उगता हुआ सूरज हो, साफ आसमान हो और थोड़ी हरियाली हो तो इसे पूर्व दिशा में लगे, क्योंकि यह वायु तत्व को दर्शाता है। अगर तस्वीर में घोड़े का रंग सफेद और पीछे समुद्र या पानी है तो यह जल तत्व को दर्शाता है। इसे अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर लगे। अगर तस्वीर में घोड़े सफेद है और पीछे का रंग भी सफेद है तो इसे पश्चिम दिशा की दीवार पर लगे, क्योंकि यह अंतरिक्ष तत्व को दर्शाता है। यह ध्यान रखें कि सभी तस्वीर को एक साथ न लगाएं। जो पूर्व दिशा में सिर रखकर सोता है वह बुद्धिमान बनता है और स्वस्थ रहता है। जो दक्षिण दिशा में सिर करके सोता है वह तन मन से स्वस्थ बदर गौ होता है। जो पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोता है वह चिताओं में पड़ता है। जो उत्तर दिशा में सिर रखकर सोता है वह लाभ और सुख को कोटा है। जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है वह लंबा जीवन जीता है। जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है वह बीमार होता है और मान सम्मान पर भी बुरा असर पड़ता है। सच्या लघु शंका जाओ तो सदा उत्तर या दक्षिण दिशा में मुख रखें, सदा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नहाओ और मंजन पश्चिम की ओर मुख करके करें। पूजा जब सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें और सफेद वस्त्र उत्तर दिशा में मुख करके पहने, पढ़ाई हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके करें।